अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीखकर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। इस चैनल पर मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम चाहे हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, मुझे कॉल या व्हाट्सअप करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज आप सभी लोगों के लिए नया क्या है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। जो पुराने ईडीएस के यूजर हैं उनको तो पता है कि वो प्रॉब्लम क्यों आती है और किस वजह से आती है, बट जो नए यूजर हैं ईडीएस के, जो इस बीच साल दो साल से या छह महीने से उन्होंने जो काम को चालू किया है, तो उनके सामने ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अब डीवीडी का जमाना नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, डीवीडी मिलनी बंद हो गई मार्केट में, अब टोटल एचडी में बनता है और पेन ड्राइव में डेटा हम लोग डाल करके पार्टी को दे देते हैं, और पार्टी जब अपने टीवी में लगाती है तो वो वहाँ से फोन करती है या फिर वापस पेन ड्राइव लेके आती है और हम लोगों से ये कहती है कि सर, आपने जो ये मिक्सिंग करके दिया है ये पार्ट प्ले नहीं हो रहा है, हमारे टीवी में फाइल सपोर्ट नहीं कर। जबकि हम ज्यादातर ये भी देखते हैं कि वो फाइल और लोगों के टीवी में सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसा अगर प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस किया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो इस विषय में बहुत सारे लोगों ने मेरे से फोन करके पूछा कि सर, इसका क्या समाधान है, वो कैसे किसी टीवी में चल जाता है और किसी किसी टीवी में नहीं चलता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को सोल्यूशन दिया, लेकिन मैंने ये सोचा कि आखिर हम कितने लोगों को सोल्यूशन देंगे, क्यों ना हम इस पे एक वीडियो बना दें। ठीक है, और एक वीडियो बना करके चैनल पे डाल दें ताकि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ज़्यादातर लोग चैनल पे या यूट्यूब पे वही लोग सर्च करते हैं या घूमते हैं जिनको जानकारी अधूरी होती है, वो जानकारी के चक्कर में हमारे चैनल या किसी के भी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेचारे चैनल को रोज़ वीडियो देखते हैं कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं भी काम को देख करके इनके यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके मैं इनसे सीख करके मैं भी आगे बढ़ करके नाम और पैसा दोनों कमाऊँ। दोस्तों, मैं आप लोगों की भावनाओं को बहुत बेहतर तरीके से समझता हूँ, अगर समझता नहीं तो मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो विषय क्या है जिसके वजह से किसी टीवी में सपोर्ट करता है और किसी में नहीं करता है। सबसे पहले दोस्तों, टीवी दो तरह की आती है, पहले ये समझ लेते हैं, टीवी के विषय में बात कर लेते हैं, फॉर्मेट किस फॉर्मेट पर रेंडर करना है या उसका जो फ्रेम साइज है वो क्या है, ये वगैरह वगैरह हम आगे बात करेंगे, पहले हम टीवी के विषय में समझते हैं। देखिए क्या है, जो नए टीवी आ रहे हैं इस समय, जो लेटेस्ट टीवियां आ रही हैं, जो लोगों को शादियां में मिल रही हैं, दहेज में मिल रहे हैं, या लोग खरीद रहे हैं दीपावली में या ऐसे भी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो लेटेस्ट टीवी है जो इस बीच निकला है, उसमें भी दो तीन बातें हो जाती हैं, क्योंकि बात नहीं करेंगे हम लोग एक दूसरे से तो समझेंगे नहीं। अब अगर आप स्किप करके देखेंगे तो वो अलग बात है, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और वापस से आप फिर फ़ोन करेंगे, मुझे नहीं करेंगे किसी और को करेंगे, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी, आपको मन करे तो स्किप करके देख लो, नहीं मन करे तो आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, चलिए, टीवी जब हम खरीदने जाते हैं तो जब हमें नॉलेज नहीं रहता है ना, तो हमें वो फुल एचडी टीवी नहीं देता। दोस्तों, समझना ये ज़रूरी है कि टीवी आती कितनी प्रकार की है, और किसी भी सैमसंग, एलजी या किसी भी ब्रांडेड कंपनी की दुकान पे जब हम टीवी लेने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो जब हमें जानकारी नहीं होती है, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है इस विषय में, तो वो जब जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि सर, हमें आप टीवी दे दो, और वो टीवी दिखा देते हैं, और जानकारी के अभाव में आदमी फुल एचडी टीवी की जगह एचडी रेडी खरीद करके चले आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैंने कुछ टीवी अमेजन पे सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, पहले से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आप ध्यान देंगे तो समझेंगे, यह मैंने टीवी सेलेक्ट किया है, यह टीवी 32 इंच की है, लेकिन 32 इंच की टीवी होने के बाद भी ये फुल एचडी टीवी नहीं है। पता कैसे चलेगा कि ये फुल एचडी टीवी है या नहीं है, इसके फ्रेम साइज में जा करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट लिख रखा है कि 32 इंच की टीवी ये एचडी नहीं है, एचडी रेडी है, मतलब एचडी को प्ले करने के लिए लगभग तैयार है, फुल एचडी नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे 1366x768 का ये फ्रेम साइज को प्ले कर सकता है। ठीक है, रिफ्रेश इनका 60Hz दिखा रहा है यहाँ पे, रिफ्रेश रेट वगैरह के विषय में अगर हम समझाने लगेंगे दोस्तों तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा, हम काम की बात करेंगे इसमें। ठीक है, इन सब के विषय में कभी हम डीप में बात कर लेंगे, कभी और ट्यूटोरियल बना लेंगे। ये टीवी आपका 1366 से बड़ा फाइल जब आप पाएगा तो लगभग सपोर्ट करना बंद कर देगा। आइए दूसरे टैब को खोलते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं, यह भी 32 इंच की टीवी है और यह भी एचडी रेडी ही है, फुल एचडी टीवी नहीं है, यह भी 1366 फाइल को ही फ्रेम को सपोर्ट करेगा 768p पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यह 24 इंच की टीवी है, किसी भी कंपनी का हो, मैंने कंपनी देख करके नहीं खोला, मैंने ऐसे ही खोला आपको बताने और समझाने के लिए। दोस्तों,
ये भी 1366 की फाइल को सपोर्ट करेगा, उससे बड़े फाइल को सपोर्ट नहीं करेगा। आइए, ये 32 इंच की टीवी है 1366। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैंने जितने भी टीवी यहाँ पे खोल रखे हैं, आप जब दुकान पे जाएंगे किसी से टीवी लेने के लिए, आप कहेंगे सर टीवी दिखा दिए, वो आपको पिक्चर चला करके दिखा देगा। जो वो लोग पिक्चर चला करके दिखाते हैं उनके पास स्पेशल पिक्चर आती है आगे से कंपनी से। आप देखेंगे इस चीज़ पे गौर करेंगे, आपने महसूस किया होगा कि जब आप शोरूम पे जाएंगे वहाँ पे जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वो पिक्चर की क्वालिटी आपको कभी भी आपके घर पे नहीं मिलती है। कारण ये कि उनको जो स्पेशल पेन ड्राइव या डेटा मिलता है प्ले करने के लिए, वो डेटा स्पेशल कंपनी से आती है प्ले करने के लिए, और वो बहुत बेहतर और बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत हाई रेजोल्यूशन की डेटा होती है, इसलिए वो ज़्यादा हमें क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। आइए, लास्ट में एक टीवी मैंने यहाँ पे टैब में खोल करके रखा है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ये 55 इंच की टीवी है, ये 4K टीवी है, ये 4K को सपोर्ट करेगा, 4K फाइल को, और इसका फ्रेम साइज यहाँ पे आप देखेंगे तो 3860x1080, मतलब ये हो गया कि अगर 4096 का अगर फाइल इसका इसको दिया जाता है 4K का, तो हो सके कि ये टीवी चलाने में आनाकानी करे। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो अब क्या है, आइए एक टीवी यहाँ पे है, इसे भी देख लेते हैं। ये बेनक्यू कंपनी का टीवी है, ये 1920x1080 फ्रेम साइज को सपोर्ट करेगा, और आप देखिए यहाँ पे, ये एसर का टीवी है, ये 1920x1080 का इसको रेजोल्यूशन दिखा रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोस्तों, आप ध्यान देंगे, ये 21.5 यानी कि 21.5 इंच का टीवी है, 22 इंच लिखा होता है लेकिन होता नहीं है 22 इंच, और ये देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है कि फुल HD 1920x1080, यानी कि आप जब फुल HD का रेंडर लगाएंगे अपने EDS पे तो वो इस टीवी में प्ले हो सकती है। लेकिन ये सब जो टीवी यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, फुल HD ये टीवी नहीं है, ये HD रेडी है, तो इसमें आपका फुल HD फाइल नहीं सपोर्ट करेगा, इसमें 1280 1440 यही सब फाइलें इसमें सपोर्ट करेंगी और प्ले करेंगी, फुल HD फाइल नहीं सपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेम साइज के विषय में अगर हम बात करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा बात हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, हम इस विषय में बात नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा। हमें बस इतना बताने से मतलब है कि वो क्यों नहीं सपोर्ट करता था और क्यों कोई कोई टीवी सपोर्ट कर लेता था। मतलब जो फुल HD टीवी हम परचेज करेंगे या किए हैं जिसमें फ्रेम साइज 1920x1080 है, उसमें हमारा फाइल सपोर्ट कर जाएगा, लेकिन अगर 720 या HD रेडी 960 वगैरह का फ्रेम साइज में है तो वो टीवी उस फाइल को नहीं सपोर्ट करेगा। अब सवाल ये बनता है दोस्तों कि हम किस फ्रेम साइज पे मिक्सिंग करें और किस फाइल पे एक्सपोर्ट करें कि वो सब टीवी में प्ले कर जाए। दोस्तों देखिए, अनुमान लगाना ये बड़ा मुश्किल है कि किसके घर पे कौन सी टीवी चल रही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है कि किसके घर पे किस साइज की, किस फ्रेम की टीवी चल रही है, वो फुल HD है, 4K है, या HD रेडी है, या SD है। SD में मतलब 720 की सिर्फ फाइल सपोर्ट करेगी, 960 का फाइल नहीं सपोर्ट करेगा, ये आप बैठे बैठे घर पे आप नहीं जान सकते हैं, ना ही जो आपको मिक्सिंग के लिए डेटा देता है वो जान सकता है। ठीक है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा फाइल तैयार करना है जो फाइल HD भी हो और हर TV में लगभग सपोर्ट भी कर जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे। पहले देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे EDS को चालू कर दिया है, मैंने किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन नहीं किया है, मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया है और यहाँ पे सारा फ्रेम हमारा जो मैंने बनाया है वो फ्रेम हमारा सामने आ गया। देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा HD का फॉर्मेट है, 1920x1080 25P, ये हमारा 1440 है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा जो फ्रेम आता है HD में वो आता है दोस्तों 960x720, लेकिन ये भी दोस्तों ये 50 फ्रेम में है, हम 25 फ्रेम में काम करेंगे। तो 25 फ्रेम के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 1280 का फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। 1280 का फ्रेम मैंने नहीं बनाया हुआ है लेकिन 1280 का फ्रेम हम सपोर्ट कर लेंगे। ये रहा हमारा 1280 का फ्रेम, HD है ये। ठीक है, और ये हमारा SD है, SD पे हम काम नहीं करेंगे, इस पे क्वालिटी की, पिक्चर की क्वालिटी गिर जाती है तो हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम इस पे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। दोस्तों ओपन करने के बाद हम किसी पिक्चर को लेकर के टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ये पिक्चर ले लिया दोस्तों। ठीक है, हम इसे रेंडर करते हैं। रेंडर करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसका दो तरीका है, अगर पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ है तो आप यहाँ से भी जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, और प्रोजेक्ट सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका सारा फॉर्मेट शो कर रहा है, तो आप यहाँ से भी जा करके जिस फॉर्मेट पे आपको रेंडर कराना है उस फॉर्मेट पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पर ऐसा भी है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडियो वाले हैं जो आपके रेंडर किए हुए फाइल को प्रॉपर्टीज़ में जा करके चेक करके आपको ये बताने लग जाएंगे कि सर ये 1920x1000 का फाइल नहीं है, आपने 720 का या 1280 का या 960 का आपने फ्रेम रेंडर कर दिया, आपने छोटी फाइल बना दी, आपने फुल HD में मिक्सिंग नहीं किया, आपने मुझे फुल HD का नाम लेकर के मेरे से पैसे ले लिए और आपने फुल HD नहीं दिया, तो वो कस्टमर आपका टूट सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने इसका रास्ता निकाला है दोस्तों, आप क्या करिए, प्रोजेक्ट सेटिंग में जा करके
1920x1080p को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, ठीक है। ये हमारा HD का फ्रेम साइज सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ से F11 प्रेस करेंगे, हमारे सामने ये इंटरफेस खुल करके आया है दोस्तों। पहले क्या करते थे हम, H264 AVC पे हम रेंडर करते थे। इसमें किसी टीवी पे सपोर्ट करेगा, किसी टीवी में नहीं सपोर्ट करेगा। जिस टीवी में H264 का ऑप्शन सपोर्टेड टीवी होगा, वही टीवी इस फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा। अदरवाइज जिसमें H264 सपोर्टेड टीवी नहीं होगा, वो नहीं सपोर्ट करेगा दोस्तों। आपके पास डेटा फिर वापस आ जाएगा, आपको दोबारा रेंडर मारना पड़ेगा, आपका पूरा दिन लग जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको पिक्चर क्वालिटी बेहतर आने से मतलब है दोस्तों, तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा फॉर्मेट जिस पे आपको पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और जैसा आपका रॉ फाइल का क्वालिटी है पिक्चर का, एकदम 1% आपकी क्वालिटी नहीं गिरेगी, ये मेरा दावा है। और जैसे आपका रॉ फाइल का ओरिजिनल का आपका क्वालिटी है, वैसा क्वालिटी इसमें आएगा। क्या करेंगे हम, MPEG पे क्लिक करेंगे। MPEG पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में दो ऑप्शन मिलेगा, हम नीचे वाले पे जाएंगे, प्रोग्राम स्ट्रीम पे, ठीक है। प्रोग्राम स्ट्रीम पे जाने के बाद हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम कोई भी लोकेशन दे देंगे। अब यहाँ पे इस विंडो पे आकर के हमें समझना है दोस्तों, समझना क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है इसे हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं हमें चार ऑप्शन मिलते हैं, हाई स्पीड, नॉर्मल, सुपर फाइन और फाइन, ठीक है। हाई स्पीड क्या है, इस पे आपको पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी बट रेंडर बहुत फास्ट आपका हो जाएगा हाई स्पीड पे। दूसरा है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल, नॉर्मल तो आप भी समझते हैं, आज तक आप करते भी आए होंगे, उसमें बताना कुछ भी नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है फाइन। फाइन में मतलब नॉर्मल से बेहतर क्वालिटी आपको फाइन में मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा रेंडर स्लो होगा। स्लो होगा मतलब जो रेंडर आपका 1 घंटे में होता है वो 1 घंटा 5 मिनट लगेगा। उसके नीचे ऑप्शन आता है दोस्तों सुपर फाइन। सुपर फाइन में जो रेंडर आपका 1 घंटे में होता था वो 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, लेकिन इसमें पिक्चर की क्वालिटी आपकी इतनी शानदार आएगी दोस्तों कि जो आपका रॉ फाइल है जो आप कैमरे से लेते हो, सेम वही क्वालिटी आपको सुपर फाइन में मिलेगी। 1% भी आपकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी, ठीक है। तो आप कलर करेक्शन वगैरह करके बेहतर से मिक्सिंग करके सुपर फाइन पे आप रेंडर करो तो इस पे आपकी पिक्चर की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। अब बात रही दोस्तों GB बढ़ाने की, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये हम 15 लाख से नीचे नहीं जा सकते हैं। तो मतलब यह है कि अगर हम 1 घंटे का पिक्चर रेंडर मारते हैं तो तकरीबन 7.5 GB, 7.25 GB के आसपास इस पे डेटा निकलता है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। लेकिन अगर कोई कहता है दोस्तों कि हमारी 3 घंटे की पिक्चर है लेकिन आप 64 GB का पेन ड्राइव आपको भर करके देना है, या 3 घंटे की पिक्चर है और 32 GB पूरा फुल करके देना है, या 2.25 घंटे की पिक्चर है 32 GB फुल करके देना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से 25 सेलेक्ट कर देंगे, 25 लाख पे हम रेंडर करेंगे, ठीक है। ये 25 लाख सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये 25 लाख जब हो जाएगा तो जो फाइल हमारा 7.5 GB में निकल रहा था वो 12 GB में निकलेगा, ठीक है। 12 से 12.5, 13 GB में वो फाइल निकलेगा, तो आपकी पेन ड्राइव भरी हुई जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पिक्चर की क्वालिटी आपको बढ़ानी है तो ये, और पिक्चर की GB बढ़ानी है तो ये आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और ये CVR और VVR जो है ये CVR पे ही रहेगा, इसे छेड़ना नहीं है, बाकी इधर कोई सेटिंग नहीं छेड़नी है और आप इसे आराम से एक्सपोर्ट करा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं कोई भी नाम दे करके यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है या उनके समझ में नहीं आया या प्रॉब्लम है तो वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं अगर समझ में आए दोस्तों तो आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आपका काम WhatsApp से हो जाए, ठीक है दोस्तों। जानकारी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के नीचे, और वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो पसंद आई आपको, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा। और इस चैनल की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है दोस्तों, जो अभी परेशान है उनके पास तक आप इस चैनल को भेजिए शेयर करके, जैसे मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ दोस्तों। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चैनल के लिए मेहनत करिए और हर उस आदमी तक इस चैनल को पहुँचाइए जो परेशान है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए जानकारी के साथ या किसी नए प्रोजेक्ट के साथ अगले ट्यूटोरियल में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।